हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। औरैया का रुख करना बहुत जरूरी है क्योंकि औरैया में 24 मजदूरों की जान चली गई है। हमारे सहयोगी रणबीर वहां पर मौके पर मौजूद हैं और हमें वहां से वो रिपोर्ट्स भेज रहे हैं कि अभी भी कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। उसी तेजी के साथ हाईवे पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, साथ ही साथ ये तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरह से वहां पर चूने से लदा हुआ जो ट्रॉलर था वो मजदूरों के ऊपर पलट गया और उसके बाद 24 मजदूरों की जान चली गई, 30 से 35 मजदूर घायल हो गए। देश भर से मजदूर अपने घर जाने के लिए सड़कों पर निकल तो पड़े हैं लेकिन मुसीबतें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यूपी के औरैया में 24 मजदूरों की जान चली गई है। ये मजदूर नेशनल हाईवे नंबर 2 पर मौजूद एक चाय की दुकान पर खड़े थे, तभी एक ट्रॉलर उनके ऊपर पलट गया, मजदूरों की वही मौके पर मौत हो गई, 35 मजदूर घायल हो गए। ट्रक में मार्बल डस्ट लदा हुआ था ये बताया जा रहा है। हादसे के शिकार मजदूर भी एक ट्रक से दिल्ली से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जा रहे थे। जहां हादसा हुआ है उस इलाके के 2 थाना अध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर रिपोर्ट भी मांगी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है और जख्मी लोगों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो औरैया में जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां सबसे पहले आपका चैनल एबीपी न्यूज पहुंचा है। हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो गई है लेकिन हादसे से अब भी कोई सबक नहीं सीखा जा रहा है। जहां हादसा हुआ वहां अभी ट्रकों में बैठकर लोग पलायन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता रणबीर ने हमें रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए आप। मैं इस वक्त औरैया के मिहोले में खड़ा हूं और ये वो जगह है जिस जगह पर रात 3:30 बजे 2 ट्रकों में एक्सीडेंट हुआ जिसमें 24 मजदूरों की मौत हुई है। आपको इस जगह के बारे में दिखाऊं, ये बिल्कुल सामने एक ढाबा है और इस ढाबे के पास एक ट्रक खड़ी थी जिसमें ये पुट्टी है, मार्बल पाउडर कहते हैं इसको, ये यहाँ पड़ी हुई थी और ये जो ट्रक है इसमें पीछे से DCM ने टक्कर मारी और टक्कर के बाद वो जो ट्रक है जिसमें ये माल लदा हुआ था ये यहाँ से जो गड्ढा है सामने इस गड्ढे में पलट कर गिर गई और मजदूर बैठे हुए थे जिसमें बहुत सारे मजदूर इसी मलबे के नीचे भी चले गए और इस पाउडर के उड़ने की वजह से सांस लेने में लोगों को दिक्कत हुई जिस दिक्कत की वजह से इतने सारे मजदूरों की मौत हुई है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और साफ कहा है कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि अब कोई भी ट्रकों पर बैठकर आगे ना जा सके। इस मामले में SSP आगरा और SSP मथुरा से भी जवाब मांगा गया है कि आखिर मजदूर जो दिल्ली से चले थे वो उनके ज़िलों से होते हुए औरैया तक आखिर पहुंचे तो पहुंचे कैसे। इसके साथ ही बॉर्डर के 2 ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिनको निलंबित किया गया है और साथ ही जो क्षेत्राधिकारी यानी CO हैं CO को भी चेतावनी दी गई है और साथ ही सुनिश्चित किया गया है कि अब कोई भी ट्रकों पर बैठकर या अवैध तरीके से पलायन नहीं कर सकता है। जितने भी उत्तर प्रदेश के बॉर्डरिंग ज़िले हैं उन ज़िलों में 200 बसों की व्यवस्था, यानी कि हर ज़िले को 200 बसें दी जाएंगी कि बाहर से जो भी पलायन करके मजदूर आ रहे हैं उन मजदूरों को उन बसों में बैठाकर संबंधित ज़िलों में भेजा जाए और इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की होगी। तो मुख्यमंत्री ने इस घटना के बाद एक कड़ा रुख अख्तियार किया है। आप देखिए कि ये घटनास्थल पर इस वक्त पुलिस घूम रही है और अभी भी यहाँ पर मलबे पड़े हुए हैं जो बताते हैं कि यह हादसा कितना विभत्स था। लेकिन एक तस्वीर और आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल सामने 2 ट्रक अभी मेरे सामने से गुजरी है और दोनों ट्रकों में इस वक्त मुझे मजदूर भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कड़ाई के बाद भी, आदेशों के बाद भी इस वक्त भी इसी तरीके से पलायन कर रहे हैं लोग और ट्रकों पर सवार हैं। कुछ और गाड़ियाँ आ रही हैं, इन गाड़ियों में भी देखते हैं कि क्या कोई सामान लदा हुआ है या मजदूर अभी भी आ रहे हैं। तो बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री के इतने आदेश के बाद भी आखिर अधिकारी और पुलिसकर्मी मान क्यों नहीं रहे हैं। आप देखिए, इसमें भी देखिए किस तरीके से मजदूर भरे हुए हैं, वो आगे वाली ट्रक में आप देखिए कि अभी भी बैठे हैं, यानी कि ये बताता है कि साफ हिदायत के बाद, सख्त निर्देशों के बाद भी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बहुत ख़राब है। और इस वक्त ये सुबह 10:45 बज रहे हैं मेरी घड़ी में और 10:45 बजे की स्थिति ये है कि अभी भी पलायन ट्रकों से जारी है। तो मुख्यमंत्री इस मामले में बिल्कुल गंभीर हैं। 2 लाख रुपयों की आर्थिक मदद मृतकों के परिजनों को की जाएगी, ये देखिए एक और ट्रक, और इसके अलावा 50,000 रुपये जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें दिया जाएगा। यानी कि एक तरफ मुख्यमंत्री की सख्ती है और दूसरी तरफ अधिकारियों की लापरवाही है जो सड़कों पर दिख रही है। ये बिल्कुल सामने ट्रक देखिए, ये
पौने 11 बजे सुबह, यानी कि घटना 3:30 बजे हुई और घटना के 8 घंटे बाद इस तरीके से पलायन हो रहा है कि मजदूर अभी भी ट्रकों पर बैठ के आ रहे हैं। पुलिसकर्मी सामने मौजूद हैं, पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन इन गाड़ियों को रोकने वाला कहीं कोई नहीं है। तो बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह से जो पलायन हो रहा है, ये पलायन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आखिर मुख्यमंत्री तक के आदेश के बाद अधिकारी क्यों नहीं मान रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल उठता है इस बात पर भी कि मजदूरों की जो बेबसी है, जो लाचारी है, उस पर अधिकारी का दिल क्यों नहीं पिघलता है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, औरैया, उत्तर प्रदेश। तो इतना बड़ा हादसा हो गया, 24 मजदूरों की जान चली गई, लेकिन हालात जस के तस हैं। उसी रफ्तार के साथ वहां पर ट्रक दौड़ रहे हैं, इवन बैरिकेड्स तक देखने को नहीं मिल रहे हैं। रणवीर ने हमें एक और रिपोर्ट भेजी है, जिस चाय की दुकान पर ये मजदूर बैठकर सुस्ता रहे थे, अपनी थकान मिटा रहे थे, वहीं पर ये ट्रक पलट गया और मौके पर ही उन मजदूरों की मौत हो गई। मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश में और ये औरैया है, वो औरैया जहां 3:30 बजे एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिस एक्सीडेंट में 24 लोगों की मौत हो गई और 30 के आसपास लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये वो नेशनल हाईवे है जो नेशनल हाईवे दिल्ली से कानपुर की तरफ जाता है और इसी नेशनल हाईवे पर ट्रक पर सवार होकर जो मजदूर थे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और क्या हाल हुआ होगा 3:30 बजे उसका अंदाज़ा लगाना हो तो सड़क पर बिखरी इन पूड़ियों, सब्जियों और रोटियों को देखिए जो मजदूरों ने शायद अपनी पोटली में बांध कर रखा था कि रास्ते में खाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ उसमें इस तरीके से ये जगह हाईवे पर ये रोटियां बिखरी हुई हैं, पूड़ियां बिखरी हुई हैं और तमाम सारी ऐसे मजदूर जिन्हें ये नहीं पता था कि घर निकलने की कोशिश में वो कभी शायद घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह की जब हमने पड़ताल की तो पाया कि 3:30 बजे के आसपास 2 ट्रकों में टक्कर हुई और इस टक्कर में इतनी ज़्यादा मौत के पीछे ये सफ़ेद पाउडर है जिस सफ़ेद पाउडर की वजह से ज़्यादातर मजदूरों की मौत हुई है। ये मार्बल का पाउडर बताया जा रहा है और ये ट्रक पर लद कर जा रहा था और इन्हीं पाउडर्स के जो बोरे हैं इन्हीं बोरों पर बैठकर के जो मजदूर थे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और जब एक्सीडेंट हुआ ये बोरा गिरा तो ये सफ़ेद धूल जो है, जो डस्ट है, वो नाक में जाने की वजह से जो है मजदूरों की मौत हुई। एक शख्स हैं जिनका सामने ढाबा है, शिवजी ढाबा, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रकुल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी साहब, आप ढाबे पे थे क्या रात? जी जी। क्या हुआ था? लगभग 3:30 बजे की घटना है, ट्रेलर खड़ा हुआ था और पीछे से DCM ने टक्कर मार दी जिसमें DCM में लगभग 30-40 लोग और ट्रक में 100 लोग के आसपास थे। ठीक है, घटने पे 50-60 लोग हम लोगों ने अपने हाथों से निकाले हैं और लगभग 25-30 लोग मृतक पाए गए हैं, बाकी घायल पाए गए हैं। मतलब दोनों गाड़ियों में मजदूर भरे? हाँ, लगभग 120 लोगों के आसपास लोग थे दोनों गाड़ियों में और जो DCM थी वो सवारी लादे हुए थी और ट्रक में सवारी और माल दोनों चीजें लदी हुई थी। तो खड़ी कौन सी गाड़ी थी? ट्रक खड़ा हुआ था। जी। टक्कर दोनों कैसे हुई? DCM साइड में चल रही थी और DCM का ट्रक सो गया, ड्राइवर सो गया और उसने टक्कर आके पीछे से मार दी और दोनों खंदी में जा गिरे। जी। पुलिस वगैरह कितने देर बाद आई? पुलिस तुरंत, जैसे ही फोन किया मैंने अपने हल्का इंचार्ज को, वैसे तुरंत मौके पर बाइक से आए, उसके बाद पीछे से फोर्स आ गए। एम्बुलेंस वगैरह? एम्बुलेंस तुरंत आ गए थे। जी। क्या मतलब बताया जा रहा है ये पाउडर की वजह से बहुत सफेद सफेद जैसा हो गया? पाउडर की वजह से वो दब गए, उसमें उनको लोगों सांस नहीं मिल पाई, इससे ज्यादा इंजर्ड लोग हुए हैं। ये बिखरी हुई रोटियां और पूड़ियां देख के मन व्यथित हो गया है। औरैया हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि औरैया में सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद है, सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं जताई हैं और मेरे सहयोगी रणवीर मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस समय। रणवीर, आपने वो हमें रिपोर्ट भेजी है, वो बिखरी हुई रोटियां, वो पूड़ियां, वो खाना, मेरे पास शब्द ही नहीं है, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब जब इतना बड़ा हादसा इस हाईवे पर हो गया है तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है कि आगे से ऐसे कोई दुखद खबर हमें सुनने को ना मिले?
देखिए कल भी बैठक हुई थी मुख्यमंत्री की, कल ही ये निर्देश दिया गया था कि ट्रकों से हो रहा पलायन रोका जाए। आपको आगे लेकर चलता हूँ, हाईवे दिखाता हूँ। और मुख्यमंत्री ने कल के निर्देश के बाद, हम लोग मान रहे थे कि शायद पलायन की जो तस्वीर है वो बदलेगी और अब पलायन कम होगा, लेकिन हकीकत ये है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी दिल्ली से निकली हुई ट्रक अलग अलग जिलों से होते हुए जब औरैया पहुंच जाती है और उसके बाद एक्सीडेंट होता है, तो फिर से मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है, फिर से कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए। लेकिन इस हाईवे पे हम अभी खड़े हैं, जो ट्रक्स आ रही हैं उनमें से हर तीसरी ट्रक में मजदूर अभी भी सवार होकर जाए जा रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री जो लखनऊ में लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार निर्देश दे रहे हैं, उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। बॉर्डर्स की बात करें, बॉर्डरिंग जिले हैं, वहाँ पर जो राज्य का बॉर्डर है वो सील है, उसके बाद भी मजदूर आते हैं, ट्रकों में भर भर के आ रहे हैं। जिलों के बॉर्डर्स पर पुलिस सिक्योरिटी है, लेकिन कहीं कोई रोक टोक नहीं है। और लगातार इस तरह से जो ट्रक्स आ रही हैं उन ट्रक्स में मजदूर दिखाई दे रहे हैं। और अब राजनीति शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। ये पाउडर्स यहाँ पड़े हैं, गवाही दे रहे हैं, और आप देखिए सामने एक मंत्री जी हैं, मंत्री जी मुआयना करने आए हैं। लेकिन जो मजदूर हैं, अभी इसमें भी आप समझिए कि 41 लोग घायल हुए हैं और इस 41 में 15 की स्थिति बेहद गंभीर है, 24 की मौत हुई है। कुछ ट्रक्स आ रही हैं, इसमें भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि पलायन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी लगातार जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ लगातार ट्रक्स गुजर रही हैं। तो मुख्यमंत्री की तरफ से कोशिश की जा रही है। आप बने रहिए रणवीर मेरे साथ।